हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके इवेंथ सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसी बीच आप सभी लोगों की मार्कशीट में कुछ संशोधन करने के लिए UPBTE के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और किस तरीके से आप सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और किस तरीके से आपको इस नोटिफिकेशन का पॉजिटिव यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रेषक का नाम लिखा है सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, निदेशक, परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं। अर्थात ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या एडेड कॉलेज हैं, सबके लिए जारी हुआ है। विषय क्या है? प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्र छात्राओं के नाम एवं पिता नाम में वर्तनी संशोधन पूर्तियां ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आया है तो उनकी मार्कशीट में उनके नेम में या उनके फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, उस स्पेलिंग मिस्टेक को संशोधन करने की प्रोसेस यहां पर बताई जा रही है। किस तरीके से उसमें संशोधन होगा, कब तक किया जाएगा, कॉलेज का उसमें क्या रोल होगा, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है महोदय कृपया परिषद के क्रमांक इतना लखनऊ दिनांक 23 सितंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद के जारी परीक्षा परिणाम में यदि किसी छात्र छात्रा के नाम अथवा पिता के नाम में वर्तनी संशोधन वांछित है तो संबंधित छात्र छात्रा द्वारा परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक जनहित सर्विसेज का प्रयोग करते हुए संबंधित छात्र छात्रा द्वारा आवेदन सबमिट किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित संस्था द्वारा छात्र छात्रा के आवेदन का परीक्षण करते हुए परिषद को अग्रसारित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। मींस अगर किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट में उसके नाम में या उसके फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है। आवेदन करने के पश्चात जो डॉक्यूमेंट होगा उसको अपने कॉलेज के पास सबमिट करना है और कॉलेज फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, ऐसी प्रोसेस बताई जा चुकी है। परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 12 सितंबर 2023 को जारी सम सेमेस्टर वार्षिक विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के परीक्षा परिणाम में अंक तालिका प्रिंट होने के पश्चात किसी भी दशा में मैनुअल संशोधन किए जाने हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कह रहे हैं कि जितने समय रहते ही अगर कोई अपना नाम और अपने फादर्स नेम में कोई वेरिफिकेशन, कोई करेक्शन कराना चाहता है तो करा ले, नहीं तो मार्कशीट प्रिंट होने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। आगे कह रहे हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार दिनांक 25 सितंबर 2023 तक प्रत्येक दशा में अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए आवेदन करवाते हुए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत संस्था लॉगिन माध्यम के आवेदन ससमय अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्राप्त आवेदनों पर परिषद द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए वांछित संशोधन छात्र छात्रा के अंक तालिका प्रिंट होने से पूर्ण अपडेट कराया जा सके। कहने का मतलब ये है कि 25 सितंबर 2023 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को आवेदन कर देना है। आवेदन करने के पश्चात अपने संबंधित संस्थान में उसको जमा कर देना है, संस्थान उसको फॉरवर्ड कर देगा। उक्त तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी छात्र छात्रा के नाम में पूर्णतया परिवर्तन ना हो, अन्यथा यह माना जाएगा कि संबंधित संस्था द्वारा अनुचित लाभ के लिए कूटरचित प्रयास किया जा रहा है। यदि इस तरह के आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित किए जाएंगे तो परिषद द्वारा संबंधित संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के नेम में या उसके फादर्स नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तब उसमें करेक्शन किया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट चाहता है कि नाम बदल जाए या उसके फादर्स का नेम बदल जाए तो इस प्रकार का कोई करेक्शन वहाँ पर संभव नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी लेटेस्ट अपडेट। हमारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है,
क्योंकि अगर उनमें इस तरीके से समस्या आ जाएगी, उनकी मार्कशीट प्रिंट हो जाएगी, फ्यूचर में उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से ज़रूर शेयर करिए। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।